देखेंगे सबक नंबर 14 अलजेब्रा जाबते इसमें मुरब्बे की तौसीफ। तो चलिए देखते हैं मुरब्बे की तौसीफ किस तरह की जाती है। यहाँ पर आपको शक्ल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये मुरब्बा है पी क्यू आर एस जिसमें दो जिले दिए हुए एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इसका रकबा एरिया ऑफ मुरब्बा पी क्यू आर एस, इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ मुस्ततील 1 जमा एरिया ऑफ मुस्ततील 2 जमा एरिया ऑफ मुस्ततील 3 जमा एरिया ऑफ मुस्ततील 4। इस तरह से चारों के हम रकबे पता करें। तो चलिए मुरब्बे का रकबा यहाँ पर x और y, एक जिला x y दी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मुरब्बे का रकबा, मुरब्बा जो पी क्यू आर है उसका रकबा है x जमा y इसका स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे पहला मुस्ततील है, ये जो पहले मुस्ततील है यहाँ पर x x एक दो जीरो है x का स्क्वायर, जहाँ दूसरे मुस्ततील में वहाँ पर x और y दिया हुआ है x y लिखेंगे, जमा तीसरे मुस्ततील में और x y जमा चौथे में y y स्क्वायर। अभी तो चलिए यहाँ पर इसको हम देखेंगे x जमा वाई स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर जमा ये x y जमा ये x y, x और x दो x, ये y भी यहाँ पर दो बार है दो x दो y, इसलिए हम लिखेंगे अभी दो x y जमा ये y का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ पे x जमा y cos का स्क्वायर बराबर है ये x स्क्वायर जमा दो x y जमा y स्क्वायर। अब हम अलजेब्रिक इबारत एक्स वाई इसकी जर्ब करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए कितने बार है ये cos दो बार x जमा वाई एक्स जमा वाई। अब इसका क्या करेंगे जर्ब करेंगे, तो चलिए ये दोनों में x कॉमन है तो x बाहर निकालेंगे और बचा हुआ क्या है x जमा पहले ये cos लेंगे जिसमें से x बाहर निकालेंगे और ये cos एज इट इज, फिर यहाँ पे जमा के साथ y लेंगे और सेकेंड cos दूसरी cos एज इट इज। अब हम यहाँ पर इसका जर्ब करेंगे x जर्ब x x का x की पावर 2 जमा ये x और ये y का जर्ब x y जमा फिर यहाँ पर दूसरी x y जमा ये y और y का जर्ब y स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है हमारा x स्क्वायर जमा 2 x y जमा y स्क्वायर, ये दो रुकनी मुरब्बे की तौसीफ का जाब्ता हमें हासिल हुआ। इससे पहले हमने मुरब्बे की तौसीफ में जमा का जाब्ता देखा है, अब हम उसी तरह मुरब्बे की तौसीफ में नफी का जाब्ता देखेंगे। जैसा कि आपको पता है a नफी b का स्क्वायर, हम इसको अलजेब्रिक जाब्ते में हम जर्ब करेंगे, तो देखिए ये कितनी बार है दो बार a नफी b जर्ब a नफी बी। तो चलिए हम अब इस कॉस को हल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला आदत लेंगे पहले कॉस का ए दूसरा कॉस ए माइनस बी जैसा कि वैसा, फिर हम ये सेकेंड टर्म दूसरी जो है अलामत के साथ माइनस बी यहाँ पर रखेंगे और दूसरा कॉस एज इट इज लिखेंगे जैसा कि वैसा ए माइनस बी। तो चलिए अब हम इनकी जर्ब करते हैं ए और ये ए का जब जर्ब होगा तब होगा ए और ए एक ही हुआ दो, यहाँ पर है माइनस ए का जर्ब बी से ए बी, अब यहाँ पर माइनस की साइन जैसी की वैसी, बी का जर्ब होगा ए से बी जर्ब ए या ए जर्ब बी ए बी, माइनस माइनस यहाँ नफी नफी जमा होती है, बी का जर्ब बी से करने पर बी की हुआ दो। चलिए अभी हम देखेंगे ये ए की हुआ दो जैसे कि वैसे लिखेंगे, माइनस ये ए बी कितने ए बी हो गए ये एक ए बी ये एक ए बी टू ए बी जमा एज इट इज बी का स्क्वायर। इस तरह से ये है नफी में अलजेब्रिक जाब्ता। इससे पहले अगली काम एक में हमने जमा का अलजेब्रिक जाब्ता देखे थे, इस तरह से हमें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी जमा बी स्क्वायर ये आई है ए माइनस बी की पावर कॉस की पावर दो का ज।
जब्ता। इस तरह से हम ये जब्ते अपनी मिसालों में